Smart City. Hey, hey. Smart City. Hey, hey. Smart City. Hey, hey. We want. Yes, yes. We want. Yes, yes. We want. Yes, yes. And a play. Hey, hey. And a play. सर मसला ये है कि रोड हमारा ये जो यहाँ पे डैमेज है कहीं पिछले लास्ट 5-6 ईयर्स से, मगर एडमिनिस्ट्रेशन पता नहीं क्या कर रही है। इन्होंने बहुत सारे वादे किए, दावे पे दावे किए, हम कश्मीर को वैसा बना रहे, कश्मीर को ऐसा बना रहे, मगर ये सब कुछ झूठ है। इन्होंने क्या किया, हम इन्होंने हमें तारीख पे तारीख दिया। अब हमारा एक ग्रुप चलता है, हमारा यहाँ पे यूनियन का ग्रुप चलता है, उन्होंने वहाँ पे मैसेज डाली इस डेट पे, फलानी डेट पे, फलानी डेट पे मैग्नमाइज हो रहा है। इन्होंने क्या किया, वो तारीख पे तारीख हमारा कर दिया, मगर एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गई है। और जो हमारा यहाँ जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, या तो उसको पता नहीं कि रोड कैसे बनाते हैं, उसने ऐसे ही हवा में वो तीर फेंका कि उसका वो कॉन्ट्रैक्ट पास हो गया। वो आए यहाँ पे तकरीबन 5-6 साल से हमारा यहाँ पे। हम तो सुबह तकरीबन 8 बजे से यहाँ पे खड़ा, एडमिनिस्ट्रेशन से कोई नहीं आया, वो तो टस से मसी नहीं हो रहे उनका तो। जैसे कि हम इस वक्त ये रोड जो बीच में है ना, आधा किलोमीटर का रोड, ये श्रीनगर और बड़गाम दो डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ता है, मगर बदकिस्मती से एडमिनिस्ट्रेशन पता नहीं कहाँ पे उनका शायद वो ना टस से मस नहीं हो रहे इस चीज़ के लिए कि और लोग निकले, इनकी आवाज़ सुने, क्या बोल रहे हैं, ये क्या चाहते हैं। वो तो हमें इस वक्त भी शायद तारीख पे तारीख और एक तारीख दे देंगे, मगर इस वक्त हम उस उम्मीद से निकले हैं कि तब तक ये रोड नहीं खुलेगा जब तक मैग्नमाइज पूरा फाइनल नहीं हो जाएगा। इन्होंने साठगाड़ किया है पहले ही, क्योंकि इसमें जीएसबी फिलिंग करनी थी, जब पाइपें डाल इन्होंने वही मिट्टी वापस कर दी, इसलिए दब रही है। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन डर रही है कि हम कैसे इसमें करेंगे, इनमें 3-4 साल वारंटी देनी होती है मैगडम में, वेंडर भी कर रहा है, मैं कैसे डाल सकता हूँ, मिट्टी पे कैसे डाल सकता हूँ। गलियों में जब ये नालियाँ खोते हैं ना, उसमें वापस जीएसबी फिलिंग करते हैं ये, इनने वो मिट्टी निकाली वही वापस भर दी, इसीलिए इनको यही परेशानी सता रही है। हम चाहते हैं इसमें टेस्ट कीजिए, अगर हो जाएगा तो कर दे, अगर टेस्ट किया हुआ है इन्होंने वो भी नॉर्मल है। 3 साल से ऐसे ही दब रहा है, गाड़ियों को देखे कितना टैक्स वो भर रहे हैं, कितना नुकसान वो उठा रहे बेचारे, ऐसे ही सफर हम कर रहे 3-4 साल से।